हमर जो बहनी है पूरे प्रदेश में 70,12,000 से ज्यादा उमन के खाता में 1,000 रुपया भेजे हन और ये सातवां किस्त हर महीना पहले सप्ताह में ही हमर सरकार ये छत्तीसगढ़ के सरकार आप मन के सरकार हमर बहनी मन के खाता में 1,000 रुपया भेज दे थे। सीएम विष्णुदेव साय ने एक बार फिर बहनों के खाते में 1,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार प्रदेश में महिलाओं के सशक्तिकरण पर पूरी तन्मयता के साथ काम कर रही है। इसके लिए सरकार प्रदेश में महतारी वंदन योजना चला रही है। इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए यानी सालाना 12,000 रुपए दिए जा रहे हैं। योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर विवाहित, तलाकशुदा और विधवा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाते हुए उनके सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है और इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना जरूरी है। जो है ये योजना में जो निरंतर जो है आवेदन कर सकते हैं और जो भी व्यक्ति जो है जो भी महिला जो है इसके लिए पात्र होगी उसे जो है ये राशि तत्काल देना प्रारंभ किया जाएगा। इसलिए जो भी पात्र होते जा रहे हैं वो तत्काल आवेदन करते रहें क्योंकि इसमें कोई समय सीमा नहीं है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोदी की गारंटी के तहत प्रदेश में महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए के हिसाब से सालाना 12,000 रुपए देने का ऐलान किया था, जिस पर साय सरकार सत्ता में काबिज होने के बाद लगातार अमल कर रही है और बहनों को सौगात दे रही है। योजना के तहत बीजापुर जिले में भी 38,853 महिलाओं के खाते में 40 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम ट्रांसफर की गई है। पैसे मिलने से महिलाएं बेहद खुश हैं। योजना की लाभार्थी सुशीला का कहना है कि योजना के तहत मिलने वाले 1,000 रुपए उनके लिए काफी मददगार साबित हो रहे हैं। इससे उनकी कई जरूरतों में मदद हो रही है। महीने में 1,000 मिलता है, साल में 12,000 होता है। उसमें हम लोग उसके उस पैसे से बच्चे के पढ़ाई में खर्च लाते हैं, थोड़ा बहुत घर में खर्च करते हैं। इससे हमें बहुत खुशी होती है कि माताओं बहनों को जो विवाहित हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इस योजना का लाभ ले सकें। इसी तारतम्य में जो है लगभग 40,000 माताएं बहनें जो लाभान्वित हुई हैं, जो एक बड़ी संख्या है। सुशीला की ही तरह प्रदेश में महतारी वंदन योजना लागू होने से रामू के चेहरे पर खुशी की लहर है। रामू का कहना है कि उनकी पत्नी को महतारी वंदन योजना का लाभ मिल रहा है। हर महीने मिलने वाले 1,000 रुपए से उनके कई काम बन रहे हैं। हमारे छत्तीसगढ़ सरकार विष्णुदेव मुख्यमंत्री बनने के बाद हर महीना अभी तक तो अगस्त महीना तक हमारे माताओं को ये माता रिवन्ना का पैसा तो मिल रहा है, मिला भी है। सुशीला और रामू की ही तरह कई ऐसे परिवार हैं जिनके जीवन को महतारी वंदन योजना ने आसान कर दिया है। इसके तहत मिलने वाली रकम की मदद से उन्हें रोजमर्रा के खर्च निकालने में आसानी हो रही है। नमक मिर्च भी चलता है, बाल बच्चे पेन कापी भी चल रहा है, बहुत खुश रहते हैं हम लोग। छत्तीसगढ़ राज्य में महतारी वंदन योजना चलाया जा रहा है और महतारी वंदना योजना गरीब से गरीब महिलाओं को मिल रहा है और उसमें आत्मनिर्भर है वो। जैसे उनको मतलब कई मतलब कुली जाते थे ऐसे महिला और बच्चों को मतलब उसमें काफ़ी पेन पुस्तक ये सारी चीज़ खरीद के देते थे कुली करके। आज हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी विष्णुदेव साय जी आज ऐसे ऐसे गरीबों के बीच में जाकर उनको महतारी वंदना का योजना का लाभ उनको पूर्ण रूप से मिल रहा है। महतारी वंदन योजना छत्तीसगढ़ की महिलाओं के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इस राशि का उपयोग कोई रोजमर्रा के खर्च निकालने में कर रहा है तो कोई इससे बच्चों की स्कूल फीस भर रहा है। कुल मिलाकर महतारी वंदन योजना छत्तीसगढ़ की महिलाओं के लिए बड़ा सहारा बनकर उभरी है। इस उपहार के लिए महिलाएं दिल की गहराइयों से साय सरकार का शुक्रिया अदा कर रही है।